नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए बेसिक स्टेप लेकर आई हूँ। दो चार स्टेप फॉलो कर लीजिए जो बड़े ही चलते हैं, जब ढोल बजता हो, गाना चलता हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट चलता हो, तो आप इस स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। मेरी वीडियो के जरिए जो कुछ आपको सीखने को मिल रहा है आपके लिए फायदेमंद होगा, तो आप इससे सीखकर आप अपनी कोचिंग क्लासेस भी खोल सकते हो। आप इस स्टेप को सीखकर आप किसी को डांस के स्टेप भी सिखा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा फर्स्ट स्टेप, अब देखिएगा इस मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा। ये मेरा राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड। सो फ्रेंड्स, पहले हमने इस तरह से झुकना है, ठीक है। हल्का सा बेंड होगी और जो मेरा राइट वाला पैर है थोड़ा सा आगे रखेंगे, ऐसे दिख रहा है ना आपको अच्छे से, आगे रखा और थोड़ा सा बेंड होंगे और हम फिस्ट क्लोज करेंगे और ऐसे झटका देंगे। 1 2 3 4 शोल्डर के साथ हम झटका देंगे। 1 2 3 4 मैं राइट वाला है, जो मेरा राइट वाला शोल्डर है इसको मैं नीचे की तरफ झटका दी, ठीक है गाइस। आप फिस्ट को क्लोज कर सकते हो और हैंड्स को खोलकर भी ऐसे झटका दे सकते हो, ठीक है गाइस। अब इस स्टेप को अच्छे से कैसे करेंगे, जब म्यूजिक चलता है, ढोल बजता है, ढोल की भी बजती है, तो आपने इस स्टेप को ऐसे घूमने, ये देखो 1 2 3 4 ओके। हमने इस तरह से धीरे धीरे करके घूमने, पूरा सर्कल मोशन में हमारा ये स्टेप जाएगा। ये देखो कैसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बस हमने राइट वाले पैर को उठा के टैप करना है, ओके। जब मैं घूमती हूं तो मैं साइड कौन सी लेती हूँ, लेफ्ट साइड। अब देखिए फिर से हम ट्राई करते हैं, ऐसे झुके और पैर आगे करके थोड़ा सा झटका दिया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हम इस तरह से पोजीशन रखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट वाला नी है ये ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाता है, ठीक है गाइस। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फिर से मैं आपको रिपीट करके बताती हूँ। थोड़ा सा झुकेंगे और पैर को आगे करेंगे, दोनों नी हमारे बेंड होंगे और ऐसे झटका देंगे, 1 2 3 4 हो गया। इसको हम लास्ट में म्यूजिक में आपको बताएंगे, अपने अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है गाइस। अब चलिए हमारा जो दूसरा स्टेप है उसको फॉलो कीजिए। सिर्फ दूसरे स्टेप को क्या करेंगे, जो हमारा पैर है लेफ्ट वाला उसको हम उठाएंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे उठाइए बस। राइट वाला पैर हमारा सीधा रहेगा और उठाएंगे, लेफ्ट वाला हैंड सीधा रखेंगे, फिस्ट क्लोज करेंगे, राइट वाले हैंड को हम सिर के ऊपर से घुमाएंगे। अब इसको हम पैर के साथ उठाएंगे और हैंड्स भी घुमाएंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हिंदी सॉन्ग चलते हैं, जैसे कि हिंदी सॉन्ग होता है बन्नो की सहेली, रेशम की डोरी, होता ना इसमें एक लाइन आती है रेशम की डोरी, तो आपने ऐसे से डोरी वाला स्टेप करना। जब कोई भी गाने पे डोरी का स्टेप है तो आपने इस स्टेप को फॉलो करना है, ठीक है। अब इसको एनर्जेटिक के साथ कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया क्लियर। ये दो स्टेप अच्छे से फॉलो कीजिए। अब चलिए हमारा जो तीसरा स्टेप है उसको भी फॉलो कीजिए। तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो हमारा कमर है हम क्या करेंगे, ठुमका लगाएंगे, ओके। टो की हेल्प लिया हमने और बाहर की तरफ ठुमका लगाया और हाथ हम सीधे रख के ऐसे झटका देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितना आप झटका जोर से देंगे उतनी ही जल्दी आपका स्टेप ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आपने झटका हल्का सा दिया तो आपका डांस ऐसे लगेगा कि आप डांस के मूड में नहीं हो। अगर आपने ब्यूटीफुल एनर्जेटिक स्टेप बनाना तो जोर से हमें झटका लगाना, ठीक है। आप लहंगा पहनते हो, साड़ी पहनते हो, तो ये ठुमका स्टेप जो है बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है। इस स्टेप को अच्छे से फॉलो कीजिए। हमने अभी लेफ्ट साइड कर, ठीक है,
ये पैर को हम ट्विस्ट करेंगे साथ साथ ऐसे, आया समझ? इस स्टेप को हम राइट साइड भी कर सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो भी आपका पैर चलता हो, लेफ्ट चलता हो राइट चलता हो, कोई भी चलिए और ठुमका स्टेप लगाइए। ठीक है गाइस, ये हो गया हमारा तीसरा स्टेप क्लियर। अब चलिए हम तीनों स्टेप को म्यूजिक में करते हैं, देखिए कैसे रहते हैं। जो बिगिनर्स हैं, अभी डांस सीखना नहीं जानती, डांस सीखना शुरू कर रहे हैं, तो इस स्टेप को फॉलो कीजिए। घर में छोटा सा भी फंक्शन हो तो ऐसे स्टेप बना के को भी लगा के गाना और डांस के स्टेप बना सकती हूँ। ये बहुत सुंदर लगते हैं, ये डिसेंट स्टेप है। अगर आपने अच्छे से स्टेप कर लिया तो आपके सारे फ्रेंड्स आपके डांस के स्टेप को देख कर बड़े ही खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरे साथ जुड़े रहिए और इसी तरह से आप टोरी नए नए स्टेप बनाए और सीखते। थैंक यू जी, बाय बाय।